मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के बी और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार आप सब लोगों को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्रिसमस टू एवरीबडी। बड़ा दिन है, बड़ा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। मेरी क्रिसमस एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी। प्रदीप जी वुड यू लाइक टू से समथिंग? फैंटास्टिक क्रिसमस इज rejoiced all over the world. I mean, it is something of love, compassion, you know, having lot of respect for your colleagues, your people around you, and even to your enemies. What Jesus Christ has taught everybody, that compassion, even if the samne abhi, just prakash, even if faced with betrayal, now how do you react? How do you teach? And how do you be a servant to such a lot of people? Serving the people. Yes, sir. Exactly. Forgiveness is the greatest virtue. That is the most important point. Yes, yes, yes. And we should, I would say in India right now, we would do well to remember that. With the preponderance of hate all over the place, हर कोई बहुत गुस्से में आ जाता है थोड़ी सी बात पे, छोटी सी बात पे, हर चीज के ऊपर। तो मुझे लगता है वो पुराना भारत जो है, जहाँ पर हम लोग टॉलरेंट थे, एक दूसरे की बातें सुनते थे, वो हमें वापस लाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। Exactly. यानी एक चेहरे पे मारा था, दूसरे गाल सामने करो। That was the kind of compassion that he preached, Jesus Christ preached. It's very difficult to be in that particular position. What I personally feel is that has to be taken metaphorically. That need not be taken literally. What it means is, everybody has the right to say whatever they want. You need not agree with each other, but you don't need to hate each other because you disagree. सबसे बड़ी बात है, भाई आप अगर किसी चीज़ में विश्वास नहीं रखते, कोई बात नहीं। आपका जो विश्वास है, आपका जो भरोसा है, आपका जो श्रद्धा केंद्र है, वो हमारे लिए भी श्रद्धे है। सीधी बात है, हमारी हमारी रिस्पेक्ट है। एंड यू डोंट इंसल्ट आवर रिलीजन, वी वोंट इंसल्ट योर्स। दैट्स इट, दैट्स द वे टू गो अबाउट इट। एंड आई थिंक दैट सीम्स टू बी द मैसेज ऑफ जीसस हु वाज द क्राइस्ट। एंड दैट्स व्हाई दिस रिलीजन इज सो पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी बात यह है। और ईसाई जो है usually hindustan mein at least not bar yahan par they are always known as the people of peace and to talk more about that we have brother stephen martin with us brother stephen martin sahab namaskar namaste sir namaste sir how are you sir how are you fine sir aur pradeep ji aur main aap se ye janna chahte hain ki sir ye bataye christmas ka asli sandesh kya hai ye zara deshvasiyon ko bataye क्या क्या ये जो लोगों को? हाँ, बोलिए। अभी हम लोग जो बच्चे लोग जो पढ़ते हैं ना चैप्टर फोर्थ स्टैंडर्ड या फिफ्थ स्टैंडर्ड या सिक्स स्टैंडर्ड और नॉर्मली थ्रू आउट द वर्ल्ड हम लोग देख रहे हैं एक डेट आ रहा है। वेन एवर वी रीड द हिस्ट्री हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं ना तो वहां पे लिखा है बीसी एंड एडी जी बीसी इज बिफोर क्राइस्ट एंड एडी इज एनो डोमिनी द ईयर ऑफ द लॉर्ड द ईयर ऑफ द लॉर्ड इज यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो जन्म क्यों हुआ चैप्टर 19 वर्स 10 में लूका में यह बताया जाता है कि उसका जन्म इसके लिए हुआ कि इसके लिए स्तुति पर आया कि पापियों को बचाने के लिए ही केम टू सेव ऑन दिस अर्थ टू सेव द सिनर्स पापियों को बचाने के लिए स्तुति पर आया यीशु मसीह। और उसका जब चैप्टर 3 में हम लोग जेनेसिस में जाते हैं देखते हैं जब आदम और हव्वा जब एडन के बाग में थे उन लोग तो परमेश्वर ने उन लोग ईश्वर ने उन लोग को एक नियम दिया गया था एक कमांडमेंट दिया था वो कमांडमेंट उसका एक कमांडमेंट ऐसा था कि वो आप बाग के पूरा सब फल खा सकते हो सिर्फ आपको एक फल नहीं खाना है और वो फल नहीं खाना है वो सकल उसको एक कमांडमेंट दिया था ओनली वन कमांडमेंट वाज गिवन टू देम। तो वो लोग जितना दिन भी थे तो वहां पे उन्होंने क्या किया वो फल को बिना हाथ के वो एडन गार्डन में थे पर बात क्या है वो एडन गार्डन के बीच में जो झाड़ था वो बीच के झाड़ का वो फल को नहीं खाना but that particular fall is not mentioned the particular fruit is also not mentioned there that we have to see that but it is only written that you don't have to eat that fruit wo particular fruit ko khane ka nahi bola tha hilum ne kya kya wo chapter 3 mein hum log dekhenge wo fruit jo tha wo aakarshik tha aur temptation wala fruit tha baat kya darsha raha hai kya aaj ka duniya mein aaj ka world mein temptation saath mein ghumta rehta hai आज का वर्ल्ड में एक टेम्पटेशन साथ में घूमता रहता है कि ये नहीं करना ये वो नहीं करना ये नहीं करना वो नहीं करना। एक्चुअली क्या है एक बच्चा जो रहता है वो निर्दोष है छोटा बच्चा जो रहता है ना वो निर्दोष रहता है
अप टू 7 years, अप टू 8 years ऐसा बोला जाता है. एक 10-11 years में बाद उसको समझ आता है. चैप्टर 2:14-15 इन रोमन्स में ऐसे लिखा है. एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारे मन में बिठाया जाता है. अंडरस्टैंडिंग जो मन में हमारे बिठाया जाता है वो एक फल जैसा है. तो वो फल खाने से आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ जाता है. तो दैट बिकम्स अ सिन. वो क्या बोल रहा है, वो जब लोग बाग में थे एक बच्चे जैसे थे आदम और हव्वा. तो आदम और हव्वा बच्चे जैसे वो लोग सिर्फ बोला था, ये कमांडमेंट दिया था, ये फल खाना नहीं बोला था. तो टेम्पटेशन वाला फल था, उन लोगों को हमेशा आकर्षित हो रहा था. तो वहां पे शैतान के रूप में शैतान के सर्प का सैटन का एक सांप के रूप में वहां पर आया. और खाली उसने पूछा, डिड गॉड रियली से टू यू नॉट टू ईट दिस फ्रूट. एक क्वेश्चन डाल जाता दिमाग के अंदर. तो वो क्वेश्चन डालने के बाद में कहता, वो क्वेश्चन डालने से उन लोग वो और टेम्पटेशन बढ़ गया. वो और टेम्पटेशन बढ़ गया. तो वो फल जब खाया था उन लोग ने वो लॉ को क्या किया, वो दे ब्रोक द लॉ. उन लोग ने वो लॉ को क्या किया, ब्रेक कर दिया जी. लेकिन तो अभी लेकिन ये तो ठीक है साहब, आदम और हव्वा की जो आप कहानी बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेम्पटेशन की वजह से आपके मुताबिक, क्योंकि हम लोग जो हैं वी गिवन टू टेम्पटेशन. सबसे बड़ी बात यस सर, हमारे बिकॉज़ चैप्टर 1 मिनट ब्रदर, चैप्टर 26 वर्स 41-51 यस, वहां पे 41-42 में लिखा है, द फ्लैश इज वीक द स्पिरिट इज विलिंग. Yes. बट क्या शरीर कमजोर है, तो शरीर कमजोर है वो पाप की तरफ चला गया. वो पाप से निकलने के लिए यीशु मसीह ने हम लोग का बीच हम लोग का जन्म लिया है. तो अभी आज की तारीख में क्रिसमस के वक्त, ईसा मसीह के जन्मदिन के वक्त, बड़े दिन के वक्त संदेश क्या है पूरी दुनिया को क्रिसमस मनाने का, क्यों मनाते हैं क्रिसमस जी बताएं. नहीं वो एक आनंद है. चैप्टर 2:11 में यही बताया गया है, टुडे अ सेवियर इज बॉर्न बोल के एक एंजल आके वहां पे संदेश दे रहा है. किसको दे रहा है, एंजल से अपना शेपर्ड्स लोग को दे रहा है. वहां पे क्या बोलते तबेला जैसा था, एक टेबल था, उस टेबल में उसका जन्म गया. चैप्टर 2:6-8 में ऐसा लुक में बताया गया. चैप्टर 1:21 में बताया गया मैथ्यू में, टुडे अ सेवियर इज बॉर्न, वो यीशु मसीह, उसका नाम है यीशु मसीह, दैट इज जीसस क्राइस्ट, अ सेवियर इज बॉर्न टू यू एंड ही इज गोइंग टू सेव हिज पीपल. वो क्या अपने लोगों को बताएगा. तो हम लोग अपने लोगों को कैसा बचाएगा, हम लोग को सिर्फ विश्वास करना है कि यीशु मसीह जो है वो जो बर्थ का है वो पूरा. अगर यीशु मसीह ने क्या किया, बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद ही स्टार्टेड हिज मिनिस्ट्री एट द एज ऑफ 30. यस, एट द एज ऑफ 30 स्टार्टेड हिज मिनिस्ट्री, बिकॉज यहूदी लोग का एक रूल है. वो अगर देखिए चैप्टर 4 नंबर्स में है, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 4 नंबर्स में लिखा गया है. चैप्टर 4:3 नंबर्स यस नंबर जूना करार में लिखा है. चैप्टर 4:3 23 and 30 and 35 में एट द एज ऑफ 30 लोग टेम्पल में काम शुरू करते थे. जो टेम्पल जो जेरूसलम में है ना, वो टेम्पल में लोग काम शुरू करते थे. तो यहाँ पे नया करण में यीशु मसीह जो काम शुरू कर रहा है थ्री एंड हाफ ईयर्स प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक काम किया. वो क्या, स्पिरिचुअल काम शुरू किया था. तो स्पिरिचुअल काम जब यीशु मसीह ने शुरू किया, मैथ्यू चैप्टर 4:17 में लिखा है, फर्स्ट टाइम जीसस क्राइस्ट प्रीच्ड ऑन दिस अर्थ द किंगडम इज हियर. क्या है, राज्य आ गया है, द किंगडम इज नियर, राज्य आ गया है, रिपेंट. जो आप लोग का पाप से है वो पाप से आप लोग को पश्चाताप करने के लिए, ये एक्चुअली खुशी है. ब्रदर स्टीव मार्टिन, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ जीसस क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट एक बहुत बड़ा लीडर था, फिल्ड विद लव एंड कंपैशन. ही लव टू सर्व द पीपल, और सर्विस के माध्यम से उन्होंने इतने बड़ा साम्राज्य ने इकट्ठा किया प्यार और मोहब्बत का, कि दैट इज अ सर्वेंटहुड बोलते हैं. इफ यू वॉन्ट, इफ द मोर यू सर्व द पुअर पीपल, द मोर यू बिकम अ बिगर लीडर. नाउ हाउ कैन यू, एक लीडरशिप का, जीसस क्राइस्ट का जो लीडरशिप का स्किल्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं. चैप्टर 10:34 में गॉस्पल जॉन में ऐसे लिखा है, अ न्यू कमांडमेंट आई गिव यू. चैप्टर 10:34 गॉस्पल जॉन में ऐसे लिखा है, अ न्यू कमांडमेंट आई गिव यू, लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू. Love one another as I have loved you. तो वो लव बता रहा है चैप्टर 13 में गॉस्पल जॉन में बता रहा है. तो वो 12 शिष्य लोगों को जब चुना था, 12 शिष्य लोगों को चुना जो चैप्टर 13:1-5 में लिखा है, वो 4 के बाद में लिखा है, वो एक क्या करता है, उन लोगों को टेबल, उन लोगों के पास एक टेबल रहता है जो लीन होकर बैठने जैसे टेबल रहता है, वहां पे लॉर्ड सपर होता है, लास्ट सपर. तो उन सपर में वो यीशु मसीह क्या करता है, टावल एक कमर में बांधता है, अपना विस्ट कपड़ बांधता है,
और एक बोल में पानी लेता है, एक टावल साथ में लेता है और उनका पैर को पोंछता है, और उनको पैर को पोंछता है, तो जब पैर पोंछते हैं उससे पतरस के पास आ रहा है, पीटर जो आ रहा है उस पीटर के पास, पीटर को बोलता है, पीटर बोलता है मेरा पैर को पोंछना है, बोलता है पैर को पोंछना ही पड़ेगा क्योंकि ये पैर को नहीं पोंछेगा तो मेरा काम जो है पूरा नहीं होगा। ये परमेश्वर बता रहा है क्या, एक लीडर को कितना अपने आप को लीन करना पड़ता है। एक लीडर जो है वो लीडर ऐसा कैसा, इधर कैसा ऊपर जाने से लीडर नहीं, यहाँ पे लीडरशिप नीचे से शुरू होता है। यू हैव टू बी हम्बल इन द साइड, हम्बल इन द साइड ऑफ एवरीबॉडी। वाला तो एक नम्रता है, नम्रता से होना पड़ता है। इसके लिए ऐसा मुझे एक गाल पे दिया तो दूसरा गाल भी देना, पर हकीकत में बात है ऐसा होता नहीं है, एक गाल पे मारेगा दूसरा गाल भी देना। तो परमेश्वर बोलता है आप अपने आप को हमको इतना नम्र करना है, इतना हम्बल करना है। तो परमेश्वर जो ब्रदर वी कैन टॉक अबाउट द ग्रेट बिट्रेल, द ग्रेट बिट्रेल। जीसस क्राइस्ट न्यू दैट बिट्रेल होने वाला है, ही न्यू दैट ही इज गोइंग टू बी बिट्रेड, बट ही अलाउड इट टू हैपन, ही अलाउड इट टू हैपन, ही अलाउड जुडास इस्क्रायट टू यू नो बिट्रे हिम एंड ही वांटेड टू फील दिस काइंड ऑफ बिट्रेल। नाउ बिट्रेल जिस प्रकार से होता है आज के युग में आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो टू टीच द यंग पीपल? बोलिए टू यू टीच द यंग पीपल। वो तो हम लोग का जो चर्च का जो काम है उसे ने प्रचार करते जाएगा। क्या प्रचार करते जाएगा? गुड न्यूज। एंड द गुड न्यूज इज द क्राइस्ट इज डाइड फॉर अवर सिंस। ये हमारे पाप के लिए मारा गया, पाप के लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये तीसरे दिन जी उठा वो आके फर्स्ट डे ऑफ द वीक है। जो फीस्ट जो हम बोल रहे हैं ना, फीस्ट जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ का जो फीस्ट है, एक्चुअली फर्स्ट डे ऑफ द वीक संडे का, संडे को वो फीस्ट को हम लोग मनाते हैं। और मनाते वक्त रोटी हम लोग खाते हैं जिसको हम लॉर्ड सफर बोलते हैं। और लॉर्ड सफर जब रोटी खाते हैं उसकी मौत को हम याद करते हैं, और जब उसके द्राक्षरस वो वाइन को जब हम पीते हैं, वो वाइन जो है वो पीते वक्त हम सब उसके लहू को याद करते हैं, जो लहू जो क्रूस पर जो बहाया गया था। चैप्टर 20:28 में एक्ट्स में लिखा है ही परचेस्ड अस फ्रॉम गिविंग हिज ओन ब्लड। वो क्या कर रहा है, ही परचेस्ड अस बाय गिविंग हिज ओन ब्लड, अपना लहू देकर हम लोग को परचेस किया है वो क्रूस पर। ही वॉज नेल्ड ऑन द क्रॉस, ही वॉज क्राउड ऑन हिज नेक, ऑन हिज हेड, उसको हाथों पैर में किला ढोका गया था। हमारे पापों के लिए उसको क्रूसीफाइड किया गया था। हमारा जो क्रिस्टी जीवन है, क्राइस्ट का जो जीवन है, पौलुस हमको मेंशन कर रहा है 6:14 में गैलेशियंस में बोल रहा है हम लोगों, मेरा जो लाइफ जो है मैंने क्रूस को दे दिया है, मेरा लाइफ जो है क्राइस्ट को दे दिया है। 1:21 में फिलिपींस में हमको पौलुस हम ये बता रहा है फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट बट टू डाई इज गेन। तो इस पृथ्वी पर हमें रहना है, यीशु मसीह के जीवन में जाना है, तो पूरा जीवन हम लोग को मैथ्यू मार्क लूक जॉन में लिखा है। मैथ्यू मार्क लूक जॉन एक गॉस्पल है, तो गॉस्पल चैप्टर 20:31 में से लिखा है व्हाई दिस बुक इज रिटन। तो दिस बुक इज रिटन टू यीशु मसीह के बारे में कंप्लीट उसमें बारे में बात किया गया है। यीशु मसीह को किस तरह किसके लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ और कैसे लोगों को बचाने के लिए जन्म हुआ, इसके लिए 4 गॉस्पल्स हम लोग को दिया गया। और पूरा किताब जो है 66 बुक का किताब है, और 66 का बुक का किताब जो है जेनेसिस से लेकर मलाकी तक ओल्ड टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट के बाद में जो है गॉस्पल जॉन, मैथ्यू मार्क लूक जॉन जो है ये हम लोग को गॉस्पल करके हम लोग को बता रहा है। और ये गॉस्पल है जीसस हैज अराइव्ड ऑन दिस अर्थ, जीसस हैज अराइव्ड ऑन दिस अर्थ टू सेव द सिनर्स, पापी लोगों को बचाने के लिए। तो ये क्या है, परमेश्वर अपने आप को क्या, वो 12 शिष्यों में से एक आके क्या होता है, वो कलेक्शन का पर उसका बहुत ध्यान रहता था। 12 शिष्य जो था उसमें एक था जुड़स जी, वो जो कलेक्शन जो काम था वो कलेक्शन का उसका बहुत ध्यान था। तो परमेश्वर उसका नजर क्या था, ये कलेक्शन का बहुत ध्यान दे रहा है। और उसका वो कलेक्शन में क्या था, चैप्टर 12:4, 5, 6, 7 गॉस्पल जॉन में लिखा है, वो कभी कभी वो कलेक्शन बॉक्स में कुछ निकाल लेता था अपने के लिए, तो वो भी नजर में आता था। तो वो उसको पैसे का तरफ नजर था। तो फैरिसीज एंड द सैडुसीज कुछ ज्यूज लोग था और टीचर्स ऑफ द लॉ स्क्राइब लोग था, वो लोग देख रहे थे कि यीशु मसीह हमारा लॉ के खिलाफ बात कर रहा है। हमारा लॉ के खिलाफ बात करना मतलब क्या, न्यू टेस्टामेंट के खिलाफ बात कर रहा है। पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है, चैप्टर 5:17 में क्या बोल रहा है, आई हैव नॉट कम टू अबॉलिश द लॉ, आई हैव कम टू फुलफिल द लॉ। जो लॉ जो था वो शारीरिक में था, अभी ये जो है आत्मिक लॉ है। ये आत्मिक लॉ क्या, स्पिरिचुअल लॉ है। ये स्पिरिचुअल लॉ है क्या, वो स्पिरिचुअल लॉ क्या, हम लोग जब मानते हैं यीशु मसीह हमारे पापा के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और जब उसका चर्च में हमें एंट्री करना है, चर्च यानी किंगडम यानी उसका शरीर। But you know, brother Stephen, no, I would like, because आज के यूथ को उसको हम लोगों को समझाना कर रहा है, this प्रकार the kiss of death, kiss, जुड़ास का किस जो था, how Jesus treated him, even though he knew that Judas is betraying him, you know, yeah, what yeah. was, how was his behavior towards Judas?
even after the crucifixion and all the torture that Jesus Christ went through, how was his reaction to Judas? थोड़ा उसको विवरण करेंगे तो कि आज के जो बच्चे हैं उसमें से सीखे उसमें से. ये जो गॉस्पल जॉन चैप्टर 18 में वर्स 6, 5, 6, 7, 8 के बाद देखिएगा तो जुड़ास एक आर्मी को लेकर आ रहा है, यीशु मसीह की तरफ लेकर आ रहा है. ऐसे हमको गॉस्पल हमको ये बता रहा है. आपका जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको गॉस्पल का थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का काम ही वो है. गॉस्पल में जो लिखा है हमको सिर्फ वही बताना है. तो वो कुछ सेना को लेकर आ रहा है, वो रोमन का सेना को लेकर आ रहा है, और वो बता रहा है जिसको मैं किस करूंगा उसको आपको पकड़ना है. तो जब वो किस करने आता है तो यीशु मसीह वहां पे बोल रहा है, यू बिटिंग द सन ऑफ गॉड विद अ किस. वो बता रहा है कि मैं जो किस करे साइन है उसका, तो जिसको किस करेगा आपको उसको पकड़ना है करके. Hence the name Judas kiss. That's why every betrayal is called the kiss of Judas. Yes. तो ये जो है चैप्टर 19 वर्स 7 में ऐसा लिखा है, बिकॉज ही वॉज कॉलिंग हिमसेल्फ द सन ऑफ गॉड. तो ये लोगों को हजम नहीं हो रहा था, ये बात उन लोगों को स्वीकार नहीं हो रहा था, ये बात स्वीकार नहीं हो रहा था. इसके उन्होंने क्या किया, उन लोग उसको वो सब लोग मिलकर चैप्टर 27 वर्स 25, 26, 27 में बोलता है, उन लोग उसको बोल रहा है क्रूसीफाइम, क्योंकि दे वर नॉट एबल टू टेक दैट दिस इज द सन ऑफ गॉड करके. ये आज तक इसराइल में ये हो रहा है. सब एक सेक्शन क्या कर रहा है, क्रूसीफिक्शन को ले लिया है. एक सेक्शन क्या है, क्रूसीफिक्शन को लिया नहीं. इसके लिए लोग अब जब उसको क्रूस पे टंगा डालते हैं, उसको जब यीशु मसीह का लास्ट सांस होने के बाद में द थर्ड डे क्या होता है, रोज अगेन. तो गॉस्पल आके अब कंप्लीट हो रहा है वहां पर. किसका एक्चुअली जुडास उसको वहां पे किस कर रहा है, उसके बाद में जुडास किस करने के बाद में रोमन पूरा सेना जो है सोल्जर्स लोग आके उसको पकड़ के लेके जा रहा है, और उसको लेके जाके उन लोग किले पे उसको टांग देता है. तो वो क्रूसीफिक्शन में एक्चुअली एक बड़ी पेचीदा चीज है इसमें और बहुत जबरदस्त चीज है. बोलो सर. जो रोमन गवर्नर था वहां का पोंटियस पायलट, पोंटियस पायलट जी, उन्होंने एक बार नहीं तीन बार पूछा क्राउड से कि आज देखिए फेस्टिवल है, पासओवर है, टुडे इज द पासओवर, तो एक कैदी को मैं माफ कर सकता हूं. Yes, sir. Oh, chapter 27 एक कैदी को मैं माफ कर सकता हूं, तो yes, मैं ये ईसा जो है यशवा यानी जीसस, मैं इसको माफ कर देता हूं. तो यहूदियों के प्रीस्ट का पूरा क्राउड जो था उन्होंने कहा नो, क्रूसिफाई हिम. ही आस्क्ड द सेकंड टाइम, दे सेड नो क्रूसिफाई हिम. ही आस्क्ड द थर्ड टाइम, उन्होंने कहा नो दैट मैन, नॉट दैट मैन बट बराबस. और बराबस वहां पर एक और गुनेगार था, गुंडा था, चोर था, डकैत था, उनका उसको माफ करना मंजूर है, इसको माफ करना मंजूर नहीं है. तो ये इस स्टोरी का क्या मतलब है सर, ये जरा बताएं. क्योंकि पोंटियस पायलट ने फिर ही वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ द मैटर, उसने कहा कि भाई अब जो तुम चाहो तुम्हारी मर्जी, ये तुम्हारा कैदी हमारा नहीं. जी बताएं. इसका जूना करार जो है, जूना करार में कैसा, अभी कोई पाप कर देता था टेंपल के तरफ लोग बेड़ बकरी को लेके आता था, बेड़ बकरी को लेके आता था, वो एक साल का बेड़ बकरी देता था. तो उसको क्या, वहां के जो प्रीस्ट लोग था, लिवाइट प्रीस्ट लोग था, वो बेड़ बकरी पे तो हाथ रखता था, हाथ रखता था, क्या कि उसका पाप जो है बेड़ बकरी पे चला जाता था. दिस इज कॉल्ड ओल्ड टेस्टामेंट. अभी न्यू टेस्टामेंट में क्या होता है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए लहू बहाया. अभी चैप्टर 19 और 7 में क्या करता है, वो लोग उसको किले पे उसको टंगा देते हैं. मगर आप जो बोल रहे हैं मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 15 ऑनवर्ड्स है, वो क्या है, वो लोग बोलते किसको, दो लोग हैं, दो लोग में किसको मैं सूली पे चढ़ाऊं, यीशु मसीह को क्या बराबस को चढ़ाऊं. बराबस एक क्रिमिनल था, क्रिमिनल था, तो क्रिमिनल था, उसको चढ़ाएगा, बोलता नहीं उसको नहीं चढ़ाने का. लोग क्या बोलता, लेट द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट मे कम ऑन अस. चैप्टर 27 25 26 27 में ऐसा लिखा है. तो वो बोल रहा है चैप्टर 27 में, तो उन लोग उसको क्या कर रहा है, सूली पे चढ़ा दे रहा है. तो ये बात है, तो सूली पे चढ़ाने से क्या है, गॉस्पेल कंप्लीट. हाँ, तो आपका जो सवाल जो था, यीशु मसीह जो था वो निष्पाप था जी. आपको ये चैप्टर 5 वर्स 21 सेकंड कोरिन्थियंस में लिखा है, चैप्टर 4 वर्स 15 में हिब्रूज में लिखा है, चैप्टर 2 वर्स 22 में फर्स्ट पीटर में लिखा है, यीशु मसीह वाज विदाउट सिन. अभी बकरा जो था वो एक साल का होना होता था, वो कैसा होता था, उसमें वो काना नहीं रहना होता था, लूला नहीं रहना होता था, लंगड़ा नहीं रहना होता था, वो दस्त पुष्ट रहना था. तो यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, क्या यीशु मसीह जो था वो बिना पाप का था, he was without sin. तो उसको चैप्टर 1 वर्स 29 में गॉस्पल जॉन में बाबा जॉन द बैप्टिस्ट बोल रहा है, here comes the lamb of God,
Here comes the Lamb of God who is going to die for all of the sins. सबके पापों के लिए क्रूस पर वो मारा जाएगा. तो ये जो लैम जो था ये परमेश्वर की तरफ से आया था और ये निष्पाप था. और ये निष्पाप को क्या किया, इसको वो सूली पर उन लोगों ने चढ़ा दिया. जहां पर जूना करण में भेड़ बकरी का लहू बहता था, यहां पे क्या किया, नया करण में क्या था, जूना करण इज नेशनल, जीसस क्राइस्ट ब्लड इज फॉर द, इट इज यूनिवर्सल. ये पूरा वर्ल्ड के लिए, और ये पूरा वर्ल्ड के लिए खून का लहू बहा था. और जो यीशु मसीह में विश्वास करता है उसका डेथ बर्ड रेजर्वेशन इस्तेमाल करता है. डेथ बर्ड रेजर्वेशन इज अ गॉस्पल. एक गॉस्पल में जो विश्वास करता है और विश्वास करके उसका नाम से जब बपतिस्मा लेता है, चैप्टर 16:16 मार्कुस में लिखा है क्या, जो विश्वास करके बपतिस्मा लेता है वो बच जाता है, ही इज सेव. और जो विश्वास करके बपतिस्मा नहीं लेता है वो कंडेम हो जाता है. उसको सिर्फ हमारा यीशु मसीह के बीच में क्या है, एक बीच में सिर्फ एक ही है कि वो हमारा विश्वास करना. वो विश्वास कर जो बर्थ जो है वो हुआ है, बट कंप्लीट फोकस इज ऑन द गॉस्पल. कि यीशु मसीह का जो 122 में लिखा है मैथ्यू में क्या, brother yes, Steve Martin, we won't hold you up any longer. It's already past 6 o'clock. I know you have to go for Vespers. Very shortly it will start. But thank you very much for joining us and giving us a message of Christmas. Yes, sir. Happy, thank you, sir. Happy Christmas, Merry Christmas, yes, and a Happy New Year to you. Thank Merry you. Merry Christmas. Same Merry to you, Christmas sir. To you. Thank you very much. Yes. And your thank family. You. Thank you same very to much. You, sir. And Merry Christmas to the world. Peace to the world. Yes, sir. Christ is born. Wonderful. Love, compassion. Thank you very much. Yes, sir. Treat everybody with love. Treat everybody with compassion. Right. Now, the point is, it is Christmas, I know. It is Christmas. Message of joy, happiness and love everywhere. It doesn't work like that, does it, Pradeep ji? In the real world? Various factions, various segments of society have their own agenda, their own goals, their own mischief to play, and becomes very, very difficult. But ultimately, love and compassion, what flows from the heart, remains eternally. I mean, that is, you might have some incursions here and there, but ultimately is a victory of love and compassion. Love always, as General George's Patton used to say, love always triumphs as long as it is backed by the best tank regiment. And it always happens. Jesus Christ, in fact, his entire leadership teaches us the more people you serve, yes, the greater your circle and greater your leadership and greater followers that you will have. That's right. And those followers, that is a different caliber of weapon, Pradeep. Yes. But the fact remains that even within the Christian community, there are so many different sects, there are so many different ways of worshipping, and there have been so many schisms within Christianity itself. We'll talk about that at some other point of time. But the basic message of Jesus remains the same. As Pradeep ji was saying, love will always triumph. Whatever you do, finally, love always triumphs. जो